गुड मॉर्निंग गाइज, आपका एक नए व्लॉग में फिर से स्वागत है। और आज हमारा बीकानेर में दूसरा दिन है। दूसरे दिन में सबसे पहले अलग से मैं एपिसोड बना रहा हूँ। इसमें ये बना रहा हूँ कि भाई रुके, बीकानेर में आए तो रुके कहाँ, क्योंकि मैं भी यही चीज़ सर्च कर रहा था कि भाई अगर बीकानेर में मैक्सिमम होटल्स मिलते हैं, भाई अपने को जो चाहिए ना वो एक बजट होटल चाहिए, बट हाँ उस बजट होटल में एक बेहतरीन सर्विस चाहिए, जो कि एक आपको अभी लेके चलता हूँ अंदर, रूम भी दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोग देख लो, इस होटल में रुका हूँ, मुझे तो सर्विसेज बहुत पसंद आई। आप देख सकते हो ये आपको जो होटल है ना, ये जस्ट यहाँ से ये रोड जा रही है, ये स्टेशन की तरफ जा रही है, और वहाँ से आपको अप्रॉक्स 5 to 10 मिनट्स लगेंगे और आप यहाँ पे आराम से पहुँच जाएंगे। बाकी मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे चैनल्स पे आते हैं, वो बोलते हैं कि भाई कुछ ऐसी चीज़ बताओ कि कहाँ रुका जाए, किस जगह रुका जाए। तब मैं भी एक रात रुका तो मुझे पर्सनली पसंद आया, और आप लोगों को पता है कि जो चीज़ मैं खुद महसूस करता हूँ वही आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। बाकी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। यहाँ स्पेसियस आप देख सकते हो, पार्किंग का भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे अंदर भी पार्क कर सकते हो, गाड़ी बाहर भी पार्क कर सकते हो अगर आप खुद के व्हीकल से आते हो। बाकी आप हमारी तरह ट्रेन से आते हो, एक मेरी तरह एक बजट ट्रेवलर हो, तो जाहिर सी बात है आप बिल्कुल पास, यहीं स्टेशन बिल्कुल पास है, वहाँ से आ सकते हो। और मैं अगर रुकने की बताऊँ, चीज़ें बताऊँ, तो यहाँ के रूम स्पेसियस हैं नो डाउट, और सबसे बेस्ट यहाँ का जो पार्ट लगा ना वो साफ़ सफाई। तो रियली मतलब आप बहुत ही अच्छा, आपको अच्छा लगेगा, जाहिर सी बात है जहाँ साफ़ सफाई होती है वहाँ अच्छा लगता है। और खाना यहाँ का वो भी बहुत, मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ रुकते हो तो एक रात के लिए, अगर एक भी दिन रुकते हो तो यहाँ पे ज़रूर आप खाना खाना। यहाँ का जो रात में हमने कुछ पनीर वनीर के कुछ ऐसे आइटम ट्राई किए थे, रियली बहुत अच्छे थे। तो बाकी ये जो मैं कर रहा हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मुझे सर्विसेज अच्छी लगी, दैट्स द रीज़न मैंने सोचा आप लोगों को भी थोड़ा बताया जाए इसके बारे में। बाकी ये ध्यान रखना कि अभी ये जो वीडियो है ना पूरी लास्ट तक आप लोग देखना, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबाना अगर आपको अच्छी लगे। बाकी अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा होटल का दिखा देता हूँ। हाँ जी, चलिए लेके चलते हैं। बाकी यहाँ से लिफ्ट का रास्ता है और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। परफेक्ट पैसेंजर। तो देख सकते हो ये गैलरी है, नॉर्मल यहाँ से आप सीढ़ियों से आ सकते हो, यहाँ लिफ्ट भी लगी हुई है। टोटल कितने फ्लोर है भैया? 4 फ्लोर है ना। और ये रूम कौन से कैटेगरी का है? सुपर डिलक्स। अच्छा, तो आप देखो ये देख सकते हो काफ़ी स्पेसियस रूम है, और इन्होंने भैया ने अभी दिखाने के लिए अच्छा सा बना दिया। तो देख सकते हो ये भी आपको सर्विस मिल जाएगी अगर आप कपल के साथ आते हो, मतलब कुछ ऐसी फरमाइश करना चाहते हो तो पहले आप फ़ोन कर सकते हो। तो इस टाइप से चीज़ें, मतलब एक सोने पे सुहागा वाली फीलिंग आती है। बाकी जो यहाँ से व्यू आएगा आपको, मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देता हूँ अगर आप आते हो तो, बहुत ही अच्छा, मतलब स्पेशियस, सामने रोड है और बिल्कुल सिटी सेंटर में आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इस होटल में मिल जाएंगी, जैसा मैंने आपसे पहले ही तारीफ की थी कि भाई आप आते हो तो बहुत सारे। चलो वॉशरूम भी एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है, देख सकते हो। तो आप यहाँ पे आओ और एंजॉय करोगे, ट्रस्ट मी, मतलब आप चीज़ें आओ। अब मेरा एक बनाने का मकसद यही रहता है कि भाई आप आओ, इस चैनल के थ्रू आते हो तो आपको कुछ क्वालिटी चीज़ मिले, है ना। तो उसके लिए भाई ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, आपके साथ शेयर करनी पड़ती है। तो दैट्स द रीज़न, इसीलिए मैंने एक छोटा सा एपिसोड इसका बनाना सोचा कि अगर आप इनके बीकानेर में आते हो तो रुक सकते हैं, यहाँ पर आपको पूरे फुल पैसे वसूल मिलेगा। चलो जी, आपको लेके चलते हैं, ये एक डिलक्स रूम है, ये देखो एक डिलक्स रूम है, ये भी काफ़ी स्पेसियस है। तो आप देख सकते हो वो जो दिखा है वो सुपर डिलक्स था, वो थोड़ा सा इससे लिटिल बिट एक्सपेंसिव होगा, बट अगर आप यहाँ डिलक्स रूम में रुकना चाहते हो, ये हमारा रूम है बेसिकली, सेम ऐसे ही हमारा रूम, थोड़ा बिखरा है तो दैट्स रीज़न मैंने इधर दिखा दिया। बट हाँ, इसमें भी आपको वॉशरूम काफ़ी स्पेसियस मिलेगा, देख सकते हो इतना बड़ा वॉशरूम आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इधर, और आपको यहाँ से व्यू जो मिलेगा ना वो भी बहुत अच्छा मिलेगा,
खैर यहाँ पे तो स्पेस खाली, लेकिन जो सेकंड उस साइड है यानी मैं बात करूँ इधर की, तो वहाँ से आपको पार्क का व्यू दिखेगा। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार रूम दोबारा, बाकी मिलते हैं, आप यहाँ पे आराम से स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिलहाल हम दरवाज़ा क्लोज करते हैं। ये यहाँ का लॉबी एरिया है सर। अपने होटल में 55 रूम है। ओके, फर्स्ट फ्लोर रूम है जिसमें से दो टाइप के टाइप के अपने पास। हाँ हाँ, सिंगल डिलेक्स रूम है और सुपर डिलेक्स रूम है। अच्छा, दो टाइप के रूम अपने पास, 55 रूम है। अच्छा, रेस्टोरेंट है, रूम सर्विस है। ओके, इंडोर पार्किंग है, वाईफाई है। तो आप देख सकते हो एक जो बजट होटल आप कह सकते हो, और एक बजट होटल में आपको एक स्टार वाली फीलिंग्स वो इस होटल में ज़रूर मिलेगी आपको। और उन भैया ने जो मुझे मेरा वाला रूम दिया था वो बहुत ही अच्छा था। सबसे बेस्ट पार्ट यहाँ का, मैंने आपको पहले ही रिपीट कर दिया है कि यहाँ की साफ़ सफाई बहुत है, और यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना फ्रेंडली है रियली, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि आप यहाँ पे चाहे एक दिन स्टे करो, दो दिन करो, हफ्ते भर करो, या आगे जितने, आपको बिल्कुल ये महसूस नहीं होगा कि भाई आप किसी मतलब समझ लो जिसकी थोड़ी आप ट्रेवल करते हो तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों में क्या प्रॉब्लम आ जाती है, रूड बिहेवियर हो जाता है कि किसी स्टाफ का किसी गेस्ट के साथ हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम थोड़ी हो जाती है, तो फिर आप किसी चीज़ के लिए आ रहे हो तो वो चीज़ नहीं कर पाते। बट हाँ, यहाँ का जो पॉजिटिव नेचर है वो आपको अच्छा अट्रैक्ट करेगा। बाकी अब मैं भैया ने बता दिया इनके पास कैटेगरी, आप सोच सकते हो मतलब आप कभी भी यहाँ आओगे ना आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी विथ हर एक सर्विस के साथ। मतलब यहाँ ठंडा गर्म पानी भी आ रहा है, सिटी के मेन लोकेशन पे है, एकदम सेंटर में पड़ता है। ऑब्वियसली मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ट्रेन से आते हो तो बिल्कुल पास में है, बाकी अपने व्हीकल से आते हो तो पास, यहाँ पार्किंग वगैरह सारा कुछ है। तो मतलब आपको एक पूरे का जो पैकेज मिलता है ना रहने का वो आपको जरूर यहाँ मिलेगा।